सो दिस इज़ दी ऑल न्यू कैनन EOS R50 जिसको आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ और एक ओवरव्यू दूंगा कि क्या फीचर्स हैं, फोटोज और वीडियोस के लिए क्या ये सही कैमरा रहने वाला है एक बजट में, बिकॉज कहीं ना कहीं ये M50 Mark II को रिप्लेस करने वाला है और काफ़ी बढ़िया चीज़ें इस कैमरा के बारे में मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास बॉक्स है ना, यहाँ आप देखोगे लिखा हुआ है EOS R50 और दो लेंसेज हैं, एक किट लेंस है 18-45 और दूसरा भी किट लेंस है विच इज 55-210। तो अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि ये जो बंडल है किट है इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ जो मेरे पास बॉक्स है आप देखोगे पूरा सील्ड है, अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया है, तो ये एक्साइटिंग होगा देखना क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ देख रहा हूँ। तो अनबॉक्स करते हैं इसके बॉक्स को एंड लेट्स सी अंदर क्या क्या हमें मिलता है। ओके, तो ये है पहली, तो बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली ये कुछ मैनुअल्स वगैरह हैं, इसको आप पढ़ लेना अगर आप फर्स्ट टाइम कैमरा यूज़ कर, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ मिलती है, दिस इज़ ऑब्वियसली वारंटी कार्ड। तो यहाँ मेंशन है 1+1 टू ईयर्स वारंटी, तो 2 ईयर वारंटी कार्ड भी आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट इज़ चार्जर, तो ये चार्जिंग ब्रेक आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी जिसको आप यूज़ करके अपने जो कैमरा की बैटरी है उसको इजीली चार्ज कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ है ये केबल जो आपको बॉक्स के अंदर ही मिलती है इस चार्जर के लिए, ताकि आप इसको अपने चार्जिंग के लिए यूज़ कर सको। उसके बाद यहाँ पे जो अगली चीज़ मुझे दिख रही है वो है बैटरी, तो एक बार बैटरी की बात कर लेते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ पहले। तो बॉक्स के अंदर जो आपको बैटरी मिलती है ना वो है LPE17, जो काफ़ी बजट फ्रेंडली कैमराज में कैनन की यूज़ होता है। ये 1040 mAh की बैटरी है, थोड़ी छोटी बैटरी है बट शुड डू द वर्क, जो M50 Mark II में भी ये सेम बैटरी यूज़ हो रही थी। अब धीरे धीरे आते हैं हम, ओके कैमरा बॉडी है नेक्स्ट, तो इसी को देखते हैं। एंड काफ़ी लाइट वेट, काफ़ी कॉम्पैक्ट बॉडी लग रही है, तो एक बार इसको ओपन करते हैं। तो ये है हमारा कैनन EOS R50, यहाँ पे EOS लिखा हुआ है, R50 मुझे, हाँ ऊपर की तरफ अगर आप ये देखोगे यहाँ पे R50 मेंशनड है। तो कैमरा के बारे में मैं अभी बात करूँगा थोड़ी सी देर में, अभी इसको साइड में रखते हैं, देन हम अच्छे से डिटेल में R50 के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। ये है आपका नेक स्ट्रैप, इसको आप यूज़ कर सकते हो, मैं तो इतना यूज़ करता नहीं हूँ बट एज अ बिगिनर ये आपके कैमरा को सिक्योर रखेगा। नेक्स्ट दो लेंसेज बचते हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से लेंसेज हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं ये वाला बॉक्स देखता हूँ तो ओके, ये छोटा वाला लेंस लग रहा है मुझे। अब इस लेंस के बारे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इसको यूज़ करना है ना, तो यहाँ पे आपको एक डॉट बना हुआ दिखेगा, तो इस तरीके से जब आप इसको पुश करोगे ना तो ये लेंस एक्सटेंड होगा। तो मान लेते हैं आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपको स्टोर करना है, तो इस तरीके से आप प्रेस करके इस लेंस को अपने बैग में रख सकते हो, जिस वजह से जो लेंस है काफ़ी कॉम्पैक्ट बन जाता है। और अगर आप यहाँ देखोगे मार्किंग्स हैं 18mm से लेकर 45mm तक ये लेंस जाता है, और क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस भी यहाँ पे मेंशनड है, वाइड पे 0.66 फीट से और टेलीफोटो पे 1.15 फीट तक आप इस लेंस को इजीली लेके जा सकते हो। एपर्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेंशन है f/4.5 to 6.3, तो डे टाइम में ये लेंस से बढ़िया काम आपका हो जाएगा। बट मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी, नॉर्मली जो किट लेंसेज होते थे ना वो काफ़ी बल्की होते थे, आई लाइक द फैक्ट कि ये जो लॉक दे दिए ना, इस वजह से आपका लेंस काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है, और अगर आप इसको कहीं स्टोर कर रहे हो, कहीं कैरी करके लेके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हल्का भी है और साथ ही साथ एक कॉम्पैक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो अब आते हैं लास्ट लेंस पे, जो ऑब्वियसली क्योंकि हमारी दो लेंस वाली किट थी, तो ये जो टेलीफोटो लेंस है ये एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेंस जो बॉक्स में मिलता है। अब यहाँ पे ना कोई लॉक नहीं है, जैसे पहले वाले लेंस में इधर लॉक था ना, जिस वजह से कॉम्पैक्ट बन जाता था। तो ये ऑलरेडी 55-210mm का लेंस है, उस हिसाब से काफ़ी कॉम्पैक्ट है मेरे, आप अगर हाथ के साइज से कंपेयर करोगे इट इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉल। ये लाइक जो किट लेंस से आप कंपेयर कर सकते हो, इतना लाइट वेट और छोटा सा लेंस बना दिया कैनन ने, और RF माउंट है तो उस वजह से। बाकी क्लोजेस्ट फोकस डिस्टेंस अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे मेंशनड है 3.28 फीट है वाइड पे और 2.40 फीट है जब इसको आप 210 mm पे लेके जाओगे, तो 210 mm पे एक्चुअली आप ज़्यादा पास से फोकस कर पाओगे। तो अभी हम इन लेंसेज के कुछ सैंपल्स तो लेंगे, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दोनों ही लेंसेज में ना ये एक एक्स्ट्रा रिंग आपको मिलेगी जो कस्टम रिंग है, जिसको बेसिकली आप यूज़ करके, मान लेते हैं आपको इसको डेडिकेट करना है अपर्चर चेंज करने के लिए, शटर स्पीड चेंज करने के लिए, या इवन अगर आपको अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करना है, आप मान लेते हैं आपको एक्सपोजर वैल्यू अपनी सेट करनी है, वो सारी फीचर्स आप इस रिंग को डेडिकेट कर सकते हो, जिसको यूज़ करके आपको
कैमरा के डायल पे रिलाई नहीं करने पड़ेगा, आप शूट करते हुए सीधा लेंस से ही अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हो, जो कैनन के मिररलेस सिस्टम में मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है। बाकी अगर मैं इस लेंस के अपर्चर वैल्यू की बात करूँ तो ये जो रेंज है f5 से 7.1 तक जाती है, जिसको यूज़ करके बेसिकली आप अगर 55mm पे शूट कर रहे हो आप f5 पे कर सकते हो, 210mm तक अगर आप जाते हो तो आपका f7.1 मिनिमम रहेगा, जो अगेन डे टाइम के लिए सही है अगर आप बर्डिंग वगैरह भी करना चाहते हो। एज अ बिगिनर आपको ये लेंस हेल्प कर सकता है। बाकी आप कैमरा को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि भाई R50 में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। सो ये है कैनन R50 की बॉडी, जैसे आप ऊपर वाले एंगल से देख सकते हो। पहली चीज़ अगर मैं ग्रिप की बात करूँ तो ग्रिप इज़ डिसेंट इनफ, आई वुड से डीप है काफ़ी, कि अगर आप इसको कैजुअली यूज़ कर रहे हो, मान लेते हैं आप 1 से 2 घंटे यूज़ कर रहे हो कैमरा को, तो ये सही आपको ग्रिप दे देगा। आई विश थोड़ा सा और डीप होता, बिकॉज आई एम यूज टू लाइक कैनन R7 की भी बात करूँ, कैनन R10, इन सब में थोड़ी सी जो ग्रिप है वो डीप थी, बट आई अंडरस्टैंड M50 Mark II के सेगमेंट को ही केटर करता है, उस हिसाब से दिस इज़ गुड इनफ। बाकी अगर नेक्स्ट चीज़ मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, वो है माउंट की, बिकॉज इसके अंदर RF माउंट है और ये चीज़ समझना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो किट लेंसेज भी साथ में मैंने आपको दिखाए ना, ये लेंसेज भी RF माउंट के ही हैं, जिस वजह से अब एक स्टैंडर्ड हो चुका है। तो जैसे हम R5 यूज़ करते हैं, R6, R7, तो चाहे क्रॉप बॉडी हो चाहे फुल फ्रेम हो, सब में स्टैंडर्ड माउंट कर दिया है। तो बढ़िया चीज़ ये है कि अब R50 में ना मैं महंगे से महंगे लेंस भी लगा सकता हूँ, सस्ते से सस्ते लेंस भी एज़ फार एज़ वो RF माउंट के लेंसेज हैं। तो ये किट लेंस भी आप लगा सकते हो, 70-200mm लेंस ले रहे हो RF माउंट का वो लगा सकते हो, कोई भी ऐसा लेंस जो RF माउंट में आता है वो इसमें लग जाएगा। जो M50 Mark II में क्या होता था, आपको अलग से अडाप्टर लेना पड़ता था, फिर आप EF के लेंसेज लगा पाते थे, तो वो दिक्कत अब इसमें ख़त्म कर दी है, जो माउंट है वो स्टैंडर्ड हो चुका है। उसके बाद अगर मैं सेंसर की बात करूँ तो यहाँ पे 24.2 मेगापिक्सल का आपको क्रॉप सेंसर मिलता है, जिसके अंदर आपको DigX इमेज प्रोसेसर मिलता है, जो कैनन का बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, जिसको यूज़ करके आप फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको फ्लैश भी मिलता है, तो मान लेते हैं अगर आपको फ्लैश फोटोग्राफी करनी है लो लाइट सिचुएशन में, आप फैमिली फ़ोटोज़ इवेंट्स में फ़ोटोज़ ले रहे हो, तो उसके लिए भी आपको एक डेडिकेटेड यहाँ पे पॉपअप फ्लैश मिल जाता है। तो ऑल ओवर जो कैमरा है ना, ये वैसे काफ़ी लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इसमें एक बार बैटरी डाल के इसका एक बार टोटल वेट देख लेते हैं कि कितना है अलॉन्ग विद बैटरी। तो यहाँ पे अगर मैं कैमरा को रखता हूँ, सो 390 ग्राम्स एग्जैक्ट इस कैमरा का वेट है विद बैटरी, जो एक्चुअल में काफ़ी लाइट वेट है, बिकॉज कैमरा मिररलेस कैमरा है, काफ़ी लाइट हो चुके हैं। तो अगर आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो हल्का सा हो, कॉम्पैक्ट हो, ईजिली बैग वैग में फिट हो जाए, तो उसके लिए R50 एकदम उसी यूज़ के लिए बना है। बाकी नीचे की साइड मुझे ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट लगी, जो इसका बैटरी एंड कार्ड होल्डर वाला स्लॉट है, ये थोड़ा सा यूनिक है, बिकॉज नॉर्मली वो स्लाइड वाला ऑप्शन होता है, बट यहाँ पे मैं इस तरीके से बैटरी को निकाल सकता हूँ, सिंगल SD कार्ड स्लॉट है और सेम जगह पे आपकी बैटरी एंड कार्ड डलता है, और इस तरीके से आप बंद कर सकते हो स्लाइड करके। तो मैंने यहाँ पे R50 में किट लेंस लगा के इसको एक रेडी कर लिया, सो दैट मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूँ। तो यहाँ पे जैसे आप कैमरा ऑन करोगे ना, आपको बहुत बेसिक सा डिस्प्ले दिखेगा, और ये बेसिकली जो कैमरा है थोड़ा ऑटोमेटिक मोड में जो यूज़ करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया गया, जिस वजह से यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्रिएटिव असिस्ट मोड में जाता हूँ तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कि बैकग्राउंड ब्लर अगर आपको एडजस्ट करना है वो आप इधर से एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली इस तरीके से, कि कितना ब्लर चाहिए वो चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको बाकी एस्पेक्ट्स मिल जाते हैं, कि आपको कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना है, ब्राइटनेस एडजस्ट करनी है, सैचुरेशन भी आप यहाँ पे स्लाइडर्स को यूज़ करके ईजिली कर सकते हो, इवन कलर्स वगैरह चेंज करने हैं वो भी कैमरा में आपको ईजिली ये ऑप्शन मिल जाएंगी। तो अगर आप एक एंट्री लेवल यूज़र हो, आपको इन सब टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना, तो ये जो इसका क्रिएटिव असिस्ट मोड है आपको स्टार्टिंग पॉइंट में हेल्प कर सकता है। उसके बाद इसमें और कई एडवांस फीचर ऐड किए गए हैं जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, जिसमें से सबसे पहले फीचर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, एडवांस्ड A+। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये कॉम्पोजिट करता है फोटो को, उसमें क्या होता है मल्टीपल फोटोज खींचेगा जहाँ जो भी आप फ्रेम बना रहे हो, जिस वजह से जो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगी उसमें बेटर डायनामिक रेंज होगा, बेटर इन्फॉर्मेशन होगी, एंड ऑल ओवर जो कलर्स हैं वो बेटर निकल के आएंगे। बाकी अगर मैं FPS की बात करूँ तो आपको 15 FPS इस कैमरा में मिल जाता है, तो अगर आप बर्स्ट मोड में शूट करना चाहते हो, स्पोर्ट्स एक्शन वगैरह शूट करना चाहते हो, तो एज अ बिगिनर ये कैमरा आपको 15 FPS दे देगा, विच इज एक्चुअली वेरी गुड कंसिडरिंग दिस प्राइस पॉइंट पे आता है। बट अब मैं बात करना चाहूंगा इसके वीडियो फीचर्स के बारे में, बिकॉज R50 कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा वीडियो सेंट्रिक लग रहा है एज कम्पेयर टू फोटोग्राफी सेंट्रिक। क्यों? सबसे पहली चीज, 4K 30 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो, एंड लाइक द फैक्ट कि अब इसमें कोई क्रॉप नहीं है, तो अगर आप 4K वीडियो शूट करना चाहते हो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, या आप खुद की वीडियोज भी शूट कर रहे हो यूट्यूब के लिए, तो 4K में आपको क्रॉप नहीं मिलेगा। दूसरी चीज और सबसे
जी जो आपको पता होनी चाहिए, जो नॉर्मल पहले कैमराज में 30 मिनट की लिमिट होती थी ना, वो अब इस कैमरा में नहीं है। एंड आई लाइक द फैक्ट कि कैनन हर एक कैमरा के साथ ये कर रहा है, तो देयर इज नो लिमिट। आप डेढ़ दो घंटे तक, मैक्सिमम दो घंटे तक आप इसमें विदाउट एनी कट वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वो चीज़ काफ़ी सही है। बट एक बहुत कमाल का फीचर जो R50 में कैनन ने इंट्रोड्यूस किया है, वो है क्लोजअप मोड। जो मान लेते हैं अगर आप स्ट्रीमर हो या प्रोडक्ट रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बनाते हो, तो बहुत सही चीज़ है। जैसे ही आप इस तरीके से किसी प्रोडक्ट को फ्रेम के पास लेके आओगे, तो आपकी बजाय उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस चले जाएगा, जिस वजह से मान लेते हैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो में कुछ प्रोडक्ट दिखाना है आपको चाहिए, ऑटोमेटिकली जो फोकस है उस प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाए। इस मोड में आप ये ईजिली कर सकते हो। बाकी आपको और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो R50 में IBIS नहीं है, बट एक चीज़ अच्छा है, मूवी डिजिटल IS आपको मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप बेसिकली डिजिटली अपना जो वीडियो फुटेज है उसको स्टेबलाइज करा सकते हो, जिस वजह से आपकी वीडियो में क्रॉप इंट्रोड्यूस होगा। अब जैसे हम सबको पता है कि वर्टिकल वीडियोस का बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर फॉर्मेट में वर्टिकल वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो R50 में भी आप वर्टिकल वीडियो डायरेक्ट स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा शूट कर सकते हो। सीधा आपको अपने कैमरा को वर्टिकल ओरिएंटेशन में रखना है और आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वर्टिकल वीडियोस मिल जाएंगी, तो कुछ क्रॉप व्रॉप नहीं करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मुझे बढ़िया लगी है कि इसमें फीचर है जो है एस्पेक्ट मार्कर, जिसको यूज़ करके आप अपनी स्क्रीन में ना डिजिटली आपको लाइंस दिख जाएंगी, मार्कर्स, जैसे आप 16:9 लेना चाहते हो या 1:1 या कोई भी एस्पेक्ट रेशियो, तो आपको स्क्रीन में मार्कर्स दिख जाएंगे, जिस वजह से आप शूट करते हुए ही पहले से विजुअलाइज कर सकते हो कि आप अगर वीडियो को 1:1 करना चाहते हो तो आफ्टर एडिट कैसे लगने वाली है। तो अभी जो आप ये सैंपल देख रहे हो, मैं R50 से शूट कर रहा हूँ यूजिंग द किट लेंस, तो मैंने अभी 18mm पे रखा हुआ है फोकल लेंथ, आप मेरा फुल स्ट्रेच है, सो आपको आइडिया लग जाएगा 18mm पे कैसा एंगल ऑफ व्यू आपको मिलेगा। अब एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ, M50 Mark II में क्या था, जो किट लेंस था वो 15-45 था, ये 18-45 है, तो 15mm में थोड़ा सा वाइड आता था, बट अगर आपको इतना एंगल ऑफ व्यू सही लग रहा है देन 18 इज ऑल्सो गुड इनफ। ऑडियो डायरेक्टली कैमरा से आ रहा है, मैंने कुछ एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं करा है। बाकी डिटेल्ड जो सैम्पल्स हैं, पूरी टेस्टिंग है, वो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। प्राइसिंग का आंसर आप में से काफ़ी लोग पूछोगे, लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट जितना मैंने अभी चेक करा है, जो बेसिक किट लेंस के साथ ये बॉडी है, सिंगल लेंस जो है 18-45, उसका MRP 76,000 है, और जो ड्यूल किट वाला लेंस है उसका जो प्राइसिंग है वो 98,000 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो करेक्ट प्राइसिंग होगा मैं यहाँ लिख दूंगा। बाकी डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। तो ये था एक फर्स्ट इंप्रेशन कैनन R50 का, इसका डिटेल जो रिव्यू है इसको थोड़ा देर हम यूज़ करेंगे, कुछ सैंपल शूट करेंगे, एंड देन अगर टाइम मिला या आप लोग कमेंट करके बोलते हो तो इसका एक डेडिकेटेड हम रिव्यू लेके आ जाएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सैम्पल्स कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है। टिल देन आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।